बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू 27। 5 पावर m माइनस n इज़ इक्वल टू 25। इस इक्वेशनों को सॉल्व करके m और n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लेंगे, वो क्या है, 9 पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू 27। फिर क्या करेंगे, ये 9 इनको लिख देंगे 3 पावर 2 होल पावर m प्लस n इज़ इक्वल टू 27 को लिख देंगे 3 पावर 3। फिर क्या करेंगे, हम एक रूल का बताए, πx होल पावर y वो बराबर होता है a πx y। तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 3 पावर 2m प्लस 2n इज़ इक्वल टू 3 पावर 3। फिर क्या करेंगे, a πx इज़ इक्वल टू a πy। रूल के मुताबिक x इज़ इक्वल टू y के बराबर होता, तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 2 पावर m प्लस 2 पावर n इज़ इक्वल टू 3। और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 3 का। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को ले लेंगे, वो है 5 पावर m माइनस n इज़ इक्वल टू 25। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 5 पावर m माइनस n इज़ इक्वल टू 25 को लिख देंगे 5 पावर 2। फिर क्या करेंगे, इस रूल के मुताबिक इनको करेंगे तो यहाँ जाएगा m माइनस n इज़ इक्वल टू 2। फिर दोनों साइड के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ जाएगा 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज़ इक्वल टू 4। और इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 4। फिर इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 पावर m प्लस 2 पावर n इज़ इक्वल टू 3। 2 पावर m माइनस 2 पावर n इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे तो यहाँ जाएगा इनसे 4m, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इनसे 7। फिर दोनों साइड को 4 पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m की वैल्यू आ जाएगी 7/4। फिर क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो उनके लिए इक्वेशन नंबर 3 को ले लेंगे, ये वाला 2m प्लस 2n इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ m की जगह आप किस को पुट करेंगे, 7/4 को, प्लस 2n इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ जाएगा 7/2 प्लस 2n इज़ इक्वल टू 3। इनको इस साइड पर लाएंगे तो यहाँ जाएगा 2n 3 माइनस 7/2। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 6 माइनस 7, डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ आ जाएगा 2n इज़ इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर में 2। फिर दोनों साइड के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा n इज़ इक्वल टू इनसे -1 और इनसे 4। तो यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी -1/4।